नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से संबंधित जो है उसकी राजधानी, वर्तमान में इसकी अवस्थिति को लेकर विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 16 महाजनपदों की राजधानी को ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले 16 महाजनपद के विषय में कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। यह जो 16 महाजनपद थे, ये तीन जो थे बिहार में स्थित थे, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और दक्षिण भारत में एक महाजनपद स्थित था। इसको लेकर सवाल पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, और विदेश में यानी भारत से बाहर जो थे वो दो महाजनपद स्थित थे, और ये एक पाकिस्तान में स्थित था और दूसरा अफगानिस्तान में स्थित था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महाजनपद स्थित थे और उनकी संख्या थी 8। तो यह कुछ तथ्य हुए। इसके अलावा एक और बात है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक काल में इन महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं जो इन महाजनपद काल में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो पहली बार घटित हुई, इसे लेकर मैं एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जन हुआ करते थे। जन और जन जब मिले तो क्या बने, वो जन और जन मिलकर जनपद बने, और ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा हुआ। और उत्तर वैदिक काल में जो हुआ कि जनपद और जब जनपद मिले तो महाजनपद का विकास हुआ, और ऐसे ही 16 महाजनपद क्या है कि अस्तित्व में आए। इन 16 महाजनपदों के विषय में हमें कैसे पता चलता है, तो हमें पता चलता है दो स्रोतों से, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और जैन ग्रंथ जो है वह है भगवती सूत्र, इसमें भी जो है 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। तो उसी के विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी ट्रिक के साथ। पहला है मगध। मगध, बज्जी और अंग, ये तीनों जो है बिहार में स्थित थे। तो मगध की राजधानी कहाँ है, राजगृह, और इसी का नाम था गिरिब्रज। तो राजगृह, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि मगध, गध, गधे को जो है गधे राज नहीं करते, राज गधा, गधे राज नहीं करते, इसको इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। दूसरा ट्रिक इसका यह हो सकता है, गृह मतलब घर और मग, मग माने जग, मग, तो घर में रखा मग, या तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि घर है उसमें एक मग रखा हुआ है, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो गधे हैं वो राज नहीं करते हैं। दूसरा है वज्जी। वज्जी संघ जो था उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, साली। तो रमेश जो है वो एक व्यक्ति है, कल्पना कीजिए कि रमेश है, उसकी जो साली है वो बहुत खूबसूरत है, तो कोई उसका दोस्त कहता है कि रमेश जो है साली, साली के मामले में बाजी मार गया, तो साली और बज्जी, बाजी मार गया मतलब कि क्या है, जीत गया, तो साली और बज्जी, रमेश साली के मामले में बाजी मार गया, तो बज्जी की राजधानी वैशाली। और यहीं पर लिच्छवी गणराज्य था जहां पर कि दुनिया में पहला लोकतंत्र पाया गया। अगला जो है वह है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे अंग की राजधानी चंपा को, तो इसको याद कर सकते हैं, एक प्रचार आता है ना, कोई मिर्च का प्रचार आता है कि इसका तड़का अंग अंग फड़का, तो उसी तरह से याद कर सकते हैं कि अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, MDH मिर्च का तड़का अंग अंग चमका, एक फड़का था तो अंग अंग चमका, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, या इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि चंपा चमेली का तेल जो है उसने अपने अंग प्रत्यंग में लगा रखा था। चंपा चमेली जो है, चंपा चमेली का तेल उसने अपने अंग प्रत्यंग में लगा रखा था, तो चंपा राजधानी अंग महाजनपद। अंग नरेश सुनते होंगे, कर्ण को अंग नरेश कहा जाता था, अंग ही प्रदेश उसे दिया गया था। तो ये जो तीन है ये क्या थे, ये बिहार में स्थित है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो 16 महाजनपद है इनमें सबसे शक्तिशाली आगे चलकर कौन हुआ, वह मगध ही हुआ, जिसने बाकी सबको अपने में मिला लिया। और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक पढ़ना होगा वह होगा मगध का उत्कर्ष। खैर आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 16 महाजनपद में जो ये 8 महाजनपद हैं
ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये तीन जो थे ये बिहार में स्थित थे, ये आठ हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इनको याद करने का हम लोग देखते हैं, ये पंचाल लिखा हुआ है, पांचाल, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अहिछत्र थी। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अहीर ने ऐसा पंच मारा कि सब चोर कांपने लगे, अहीर, अहीर से अही आ जाएगा, तो अहीर ने ऐसा पंच पंच मारा कि सब चोर कांपने लगे। मान के चलिए कि कल्पना कीजिए कि कोई यादव व्यक्ति था, उसको दो चार चोरों ने घेर लिया, एक चोर उसकी ओर बढ़ा तो जो अहीर या यादव था, जो ग्वाला था, उसने बहुत जोर का मुक्का उस चोर को मारा, इतनी जोर का मारा कि यह देखकर जो बाकी चोर थे वो भय से कांपने लगे। तो हम लोग जानते हैं पांचाल की एक और राजधानी, उसका नाम क्या था, अहिछत्र अथवा कामपाली, कांपिल्य। तो यही हुआ, पांचाली का, पांचाल का अहिछत्र उसकी राजधानी, इसको याद करने का है। अगला है कोसल, कोसल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे कोसल को बस्ती में रहने का श्राप मिला था। कोसल नाम का कोई व्यक्ति होगा, आईआईटी आईआईएम से पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो छोटी बस्ती में ही रह गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो आईआईटी वगैरह से पढ़ते हैं वो विदेश जाते हैं, लेकिन वह बस्ती में ही रह गया। तो उसको देख कर लोग क्या कहते थे कि यह जो कोसल है इसको ऐसा लगता है जैसे बस्ती में रहने का श्राप मिला हुआ है। तो इससे याद हो गया कोसल की श्रावस्ती राजधानी। अगला है काशी, काशी का वाराणसी, इसको याद करने की कोई कोड के लिए जरूरत नहीं है, वाराणसी अभी भी उसका पुराना नाम जो है काशी है। वरुणा और अस्सी के संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा था और काशी इसका प्राचीन नाम है। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, मगध ने इस काशी को भी अपने में मिला लिया था। अगला है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसको याद कैसे करेंगे, कुरु जो थे कौरव, कौरव याद कीजिए, महाभारत के कौरव और पांडव, तो जो पांड कौरव थे, कुरु के पुत्र कौरव कहलाए, और वो कौरव जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली थी, ठीक है, तो कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो उसी से याद करिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कुश से मल्ल युद्ध करना, कुश से मल्ल युद्ध करना, कुशा होता है ना कुशा, तो उसी कुशा से मल्ल युद्ध किया जा रहा है। अब इसको इस कहानी से याद कीजिए, एक कहानी थी कि कृष्ण जी के पुत्र थे सांब, ठीक है, सांब क्या है कि गए ऋषि मुनियों के पास अपने पेट में मुसल छुपा के और पूछा कि बताओ क्या पैदा होगा, लड़का कि लड़की। ऋषि मुनि जो थे क्रोध से कांपने लगे और उन्होंने क्या कहा कि जा तेरे जो इस कोख से है क्या पैदा होगा, एक मुसल पैदा होगा और उससे क्या होगा, संपूर्ण यदुवंश का नाश होगा। अगले दिन सांब सच में जो है एक मुसल को जन्म दिए, उस मुसल को क्या किया गया, टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन समुद्र की लहरों ने उस सारे टुकड़ों को क्या किया कि जमीन पर उसे वापस ले आए, और वो जो है कुश के रूप में वो ये जन्म जन उनका ये हो गया, विकास हो गया, कुश के कुशा के रूप में उनका विकास हो गया। और एक समय ऐसा आया कि सारे यदुवंशी जो हैं शराब पीकर धुत्त हो गए और आपस में लड़ने लगे और उसी कुशा से एक दूसरे को मार मार के समाप्त कर लिए। तो कुश से मल्ल युद्ध करना, उन्होंने कुश से क्या किया, मल्ल युद्ध किया। तो कुशीनगर राजधानी किसकी है, मल्ल की। अगला है चेदी, चेदी का सुक्तिमती, इसका कोड आप लोग बनाकर मुझे बताइएगा। अगला है एक दो जो है मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने भी कल्पना के घोड़े को दौड़ाएं और कमेंट में लिखें कि इसका कोड आप क्या बनाते हैं। अगला है वत्स, वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, वत्स, वत्स मतलब बछड़ा होता है, वत्स महाभारत रामायण में आप देखते होंगे वत्स कहा जाता था, तपस्वी वगैरह जो थे उनको ईश्वर वरदान देने आते थे, तो क्या बोलते थे, आंखें खोलो वत्स। तो यही है कि वरदराज नाम का एक शिष्य था, व्यक्ति था, महामूर्ख था, वो बार बार कोशिश करता था लेकिन उससे होता नहीं था। तब उसके गुरु जी ने कहा कि वत्स एक बार पुनः कोशिश करो, वत्स कोशिश करो, वत्स कोशिश से कौशाम्बी, याद रहेगा वत्स कोशिश करो, वत्स से कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहाँ, कौशाम्बी। अगला है सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी
उसकी राजधानी थी मथुरा। इसका भी कोड जो है आप लोग मुझे बतलाइएगा। मथुरा का राजा कंस था। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कंस की जो सब जो है क्या था, बहुत ज्यादा सूरवीर था, तभी तो उसने है कृष्ण जी जैसे जो है व्यक्ति को भी क्या किया था, उनके माता पिता को बंधक बना लिया था, देवता के माता पिता को बंधक बना लिया था, क्योंकि सूरवीर था। वो सूरवीर कौन था? कंस। कंस कहाँ रहता था? मथुरा। इस तरह से मैंने बनाया है, लेकिन इसको आप लोग अपने से भी बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। तो ये आठ जो थे ये उत्तर प्रदेश के थे, ये तीन हैं ये बिहार में स्थित महाजनपद थे, और अब जो हम लोग देख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों में स्थित है, जैसा कि मैंने बतलाया मध्य प्रदेश में एक और राजस्थान में एक और दक्षिण भारत में एकमात्र जो है स्थित था, और वो कौन था? तो यही अस्मक था। अस्मक जो है दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है, इसको याद रखिएगा, ये बार बार सवाल विविध परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन, ठीक है, तो इसको इस तरह से कहानी से याद करेंगे, पोटली और अस्मक। कृष्ण से मिलने सुदामा गए थे, तो सुदामा क्या लेके गए थे? पोटली। पोटली में था चावल। तो कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा बताओ पोटली में तुम्हारे क्या है, तो दिखाओ हमको। तो दिखाने के नाम पर सुदामा क्या हो गए? असमंजस में पड़ गए कि ये महाराजा धीराज, इसको हम ये पोटली कैसे दिखाएं। तो किसमें पड़ गए? असमंजस में। सुदामा जो है कृष्ण को अपनी पोटली दिखाने में असमंजस में पड़ गए, तो पोटली असमंजस का अस, तो अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, ठीक है। पोतन के लिए भी इस तरह से आप कहानी कुछ बना सकते हैं। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य की जो राजधानी थी वह विराट नगर। इसको कैसे याद करेंगे? मत्स्य अवतार से याद करेंगे, ठीक है। विष्णु जी के जो 10 या 11 अवतार थे, वैसे दशावतार ही माना जाता है, भगवान बुद्ध को 11वां अवतार घोषित कर देते हैं लोग, तो जो पहला अवतार था वो क्या था? मत्स्य अवतार ही तो था। और इसकी कहानी सुन लीजिए, इसकी कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक राजा नहाने गया पानी में, नदी में, तो ऐसे ही अंजलि जब ऊपर उठाया तो एक मछली उसके हाथ में आ गई। राजा मछली को पानी में डालने लगा। मछली बोली, क्या कर रहे हैं राजा, इसमें छोड़ देंगे हमको नदिया में तो सब हमको बड़ा जीव जंतु खा जाएगा, अपने साथ ले चलिए। राजा आए, उसको एक बाउल में डाल दिए। मछली रातें भर में इतना बड़ी हो गई, बाउल छोटा पड़ गया। फिर उसको करते करते क्या डाले, एक तालाब में डाले, तालाब छोटी पड़ गई। नदी में डाले, नदी छोटी पड़ गई। समुद्र में डलवाए राजा, समुद्र भी छोटा पड़ गया, मछली इतनी बढ़ती चली गई, इतना विराट होता चला गया, ठीक है। मछली, मत्स्य अवतार जो था वो इतना विराट हो गया। तो इसी कहानी से मत्स्य का विराट, विराट नगर। और ये जो पहला अवतार हुआ था, ये हुआ था वेदों की रक्षा करने के लिए। एक राक्षस था, वो सारा वेद ब्रह्मा जी से चुरा कर समुद्र में चला गया था, तो यही मत्स्य अवतार जाके वेद को बचा के लाए थे। अगला है अवंती, गलत लिखा हुआ है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। ये उज्जैन से आप समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ स्थित है, ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। महिष्मती वही एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म आई थी, बाहुबली। बाहुबली में महिष्मती आता है, तो वही महिष्मती यहाँ याद रखना है। और अवंती का जो है कोड आप लोग मुझे बताएंगे। अगला है कंबोज। कंबोज और कांधार जो है ये दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर अवस्थित थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो 16 महाजनपद में 3 बिहार से थे, 8 यूपी से, 1 एमपी से, 1 राजस्थान से, 1 दक्षिण भारत से और 2 विदेशों से थे। तो इस प्रकार से ये हुआ, यानी कि ये जो महाजनपद थे 3 देशों में भी फैले हुए थे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तब सब भारत में ही था। तो ये जो 2 विदेश में है उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, बोझ हटाओ, बोझ हटाओ एक वाक्य बनाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा, बोझ से बोझ, हाटक, बोझ की राजधानी हाटक। इसको एक कहानी के रूप में इसको भी कल्पना करके देख सकते हैं। एक गधा था, गधा पर उसका जो मालिक है बार बार बहुत बोझा डालता था, ठीक है, बहुत ज्यादा बोझा लाता था। तो गधा क्या किया कि बार बार प्रार्थना करता था, बोलता था क्या, बोझ हटाओ मालिक, ठीक है, लेकिन मालिक सुनता नहीं था, बोझ नहीं हटाता था। तो एक दिन गधा क्या किया, उस पर बहुत सारा जो है उस पर लाद दिया उसका मालिक गधे पे नमक। गधा क्या किया, नदी में गया, नदी में बैठ गया, सब नमक बह गया। और मन ही मन बोला, बहुत बार हम तुमको बोले मेरा बोझ हटाओ, लेकिन तुम नहीं हटाए, लो सजा भुगतो।
तो वही कंबोज का हटक, बोझ हटाओ वाक्य से आप याद रखेंगे। और अंतिम जो महाजनपद है वह है गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, ये वही तक्षशिला है जिसको कि आप कह सकते हैं कि विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जो है यही तक्षशिला में पाया जाता था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं से जो है चाणक्य इत्यादि पढ़े थे। यूपीएससी में आया हुआ सवाल है कि तक्षशिला जो है उन मायनों में जो है सही उन मायनों में यूनिवर्सिटी नहीं थी जिन मायनों में वर्तमान की यूनिवर्सिटी हुआ करती है, इस पर टिप्पणी करना था। यानी यूपीएससी का कहना यह था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी था लेकिन वैसा भी यूनिवर्सिटी नहीं था जैसा कि यूनिवर्सिटी का एक स्वरूप होता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो खैर हम लोगों को देखना है गांधार और तक्षशिला को कैसे कोड, धार चक्कू में धार कैसे रखेंगे जब हम उसको शिला अर्थात पत्थर पर रगड़ेंगे। ठीक है ना, तो पत्थर पर चक्कू को रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धार हो जाएगा। ठीक है, उसमें धार आ जाएगा। तो इस प्रकार से, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, शिला पर घिसकर बनाई गई धार, शिला और धार। तो इस वाक्य को याद करेंगे तो याद आ जाएगा गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। तो इस प्रकार से हमने जो है 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानी देखी, उसकी अवस्थिति वर्तमान में उसकी अवस्थिति क्या है, इससे भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए मध्य देश या यही जो मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश ये है, यहाँ पर एक पाया जाता था, एक महाजनपद की अवस्थिति थी। इसमें आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 8 है, और सबसे जो उधर है वह है कंबोज, सबसे भारत से बाहर जो है कंबोज था। तो यही 16 महाजनपदों की, और ये जो एकमात्र है अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन। ठीक है ना, सुदामा असमंजस में क्या थे, असमंजस में थे कि पोटली दिखाए कि ना दिखाए। एकमात्र दक्षिण भारत में अवस्थित, 2 विदेश में अवस्थित, 3 बिहार में अवस्थित है। यहाँ है देखिए मगध है, अंग है, आपको वज्जी है, बाकी 8 जो हैं आपको यूपी में अवस्थित। तो इसको मैप को भी दिमाग में याद कर लीजिएगा। उत्तरापथ पहले कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था, प्राचे कहा जाता था। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद हुए, उसकी राजधानी हुई। अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से इन 16 महाजनपदों की उत्पत्ति के कारण और 16 महाजनपद में जो जो पहली बार हुआ उस पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो जो कोड मैंने नहीं बनाया है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो अपने मित्रों को देखें, दिखाएं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बीपीएससी जोन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।